Yes. Welcome back to the lecture series of judicial examination. In today's lecture, we will discuss section 190 to section 195A of Criminal Procedure Code 1973. पावर टू द विलोसीजर टेकिंगजेंस सेक्शन 190 से लेकर सेक्शन 195 ए हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोर्ट को कॉग्निजेंस का पावर क्या है ये आज हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से वो कॉग्निजेंस ले सकता है और कब कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है तो ये पूरे सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं आज फर्स्ट पार्ट है ये साथ ही साथ हम इस पर डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सेक्शन 192, 195 ए पावर ऑफ कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस सो सेक्शन 190 डील्स विथ कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। so subject to the provision of this chapter, any magistrate of first class and any magistrate of second class, specially empowered in this behalf under subsection 2, may take cognizance of any offence. so subsection 1 of section 90 says that any magistrate of first class or any magistrate who is specially empowered by provision of subsection 2 of section one, uh, 190, uh, magistrate of second class, ऑलसो टेकनीजेंस ऑफ एनी ऑफेंस तो बात ध्यान में रखिएक्शन वन क्या कह रहा है स्पेशल है, है, अगर पावर दिए जाते हैं तो ये दोनों मैजिस्ट्रेट ऑफेंस का ले सकते, हैं। कौन से कौन से ले सकते हैं या कब ले सकते हैं अपॉन रिसीविंग अंप्लेट ऑफ फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट एन

और वो कंप्लेंट ऐसे फैक्ट्स से रिलेटेड आती है कि जो फैक्ट्स किसी ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऐसे फैक्ट्स बताता है कोई पर्सन आकर कि जो फैक्ट्स ऑफेंस हुआ इस तरफ इशारा करते हैं तो कोर्ट ऐसे कंप्लेन के जरिए ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है सेकंड वन इज अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स सपोज इफ एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड एंड इन विच द पुलिस स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशन ई पुलिस फाइल पुलिस रिपोर्ट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ सो अपॉन दैट पर्टिकुलर पुलिस रिपोर्ट द कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस तो पहले अगर कोर्ट के पास कंप्लेंट आती है कोई पर्सन ऑफेंस की कंप्लेंट लेकर आता है तो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास स्पेशली स्पेशम्पावर्ड किया गया है तो वो केस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं या पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है चार्जशीट फाइल करती है तो वो चार्जशीट के जरिए या पुलिस रिपोर्ट के जरिए भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है किसी ऑफेंस का third one is upon information received from any person other than a police officer or upon his own knowledge that such offense has been committed so if any uh, information has been received by any magistrate or by such a person other than police officer or upon his own knowledge

तो वो क्या करता है वो क्या कर सकता है कि किसी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को पावर दे सकता है ऐसे ऑफेंस का कॉगनीजेंस लेने के लिए जिसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर है वो केस इंक्वायरी करने का या वो केस को ट्राई करने का उस केस का ट्रायल चलाने का चीफ चीफ मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट को पावर है, तो क्या कर सकता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के जरिए तो मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कैन ऑल्सो टेकनीजेंस ऑफ दस पर्टिकुलर ऑफेंस ऑन दिस पर्टिकुलर थ्री ग्राउंड पे मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है ऑफेंस का एक तो कंप्लेंट अगर आती है मजिस्ट्रेट के पास तो कॉग्निजेंस लेगा दूसरा पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेगा तीसरा अगर कोई थर्ड पर्सन ऑफेंस की इंफॉर्मेशन लेकर आता है मजिस्ट्रेट के पास या मजिस्ट्रेट खुद के नॉलेज में अगर कोई ऑफेंस है तो खुद के नॉलेज के बेस पे भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है दैट इज सेक्शन नाइनटी उत्तर प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है सेक्शन 190 पे अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सेक्शन 190 सब 2 हु मे एंपावर ऑफ ऑफ सेकंड क्लास टू टेक एन हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नन ऑफ द अबो तो हमने ऑलरेडी देखा कि कौन एंपावर कर सकता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पावर देगा मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज अ करेक्ट आंसर उत्तराखंड जुडिशियल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है व्हाट आर द मोड्स ऑफ टेकिंग ऑफ़ ऑफेंस बाय द मैजिस्ट्रेट इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ओनली अपॉन पुलिस रिपोर्ट ओनली अपॉन इंफॉर्मेशन अदर देन पुलिस रिपोर्ट ओनली ऑल ऑफ दिस तो अगर हम देखें तो ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट आंसर तो कंप्लेन पे भी कॉग्निजेंस ले सकता है कोर्ट पुलिस रिपोर्ट के जरिए भी चार्जशीट के जरिए भी कॉग्निजेंस ले सकता है या पुलिस के अलावा दूसरा कोई इंफॉर्मेशन लेकर आता है मजिस्ट्रेट के पास तब तो भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है सो ऑल ऑफ इज अ करेक्ट आंसर जेएमएफसी में पूछा गया क्वेश्चन दो में कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट अपॉन अ कंप्लेन मेड बायर्सन एग्रीव बाय द ऑफिस अपॉन इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी अदर पर्सन अपॉन कंप्लेन फाइल्ड बाय एनी बडी तो करेक्ट आंसर इज अपॉन कंप्लेन मेड बायर्सन एग्रीव बाय द ऑफिस तो डिफेमेशन का

के क्लास सी ऑफ सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन वन नाइनटी एक सौ के सब क्लास वन का जो क्लास सी है उसमें क्या बताया हुआ है कि कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है ऐसे ऑफेंस का जो खुद के नॉलेज में है खुद के नॉलेज में कोई ऑफेंस है तो खुद के नॉलेज के जरिए भी कॉग्निजेंस ले सकता है समझ रहे हो कि उसके सामने ऑफेंस हुआ उसके नॉलेज है उसके नॉलेज में ऑफेंस है तो खुद के नॉलेज के बेस पे भी कॉग्निजेंस ले सकता है और अगर ऐसा मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है खुद के नॉलेज के बेस पे

किससे रिलेटेड ही देखो आप दूसरे मैजिस्ट्रेट के जरिए ये केस की इंक्वायरी कर सकते हैं ये केस को चला सकते हो फॉर एग्जाम्पल मैं मैजिस्ट्रेट हूं मैं मेरे खुद के नॉलेज पे अगर कोई केस काग्निजेंस लेता हूं तो हो सकता है कि मैं बायस भी हो सकूं उस पर तो उस सिचुएशन में अक्यूज को ये राइट right है और मेरी ये ड्यूटी है बीइंग कि अक्यूज को इन्फॉर्म करे कि तुम ये केस किसी और मैजिस्ट्रेट के जरिए भी इंक्वायरी करा सकते हो या ट्रायल दूसरे मैजिस्ट्रेट के जरिए भी करा सकते हो ये मेरी ड्यूटी रहेगी एंड इफ द और एनी ऑफ द अक्यूज दूस देर आर मोर देन वन ऑब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसीडिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट टेकिंगजेंस द केस शाल बी ट्रांसफर टू सच अदर मैजिस्ट्रेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाई द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ और अगर अक्यूज एक है या एक से ज्यादा है अक्यूज अगर ऑब्जेक्शन लेते हैं फर्दर प्रोसीडिंग ऑब्जेक्शन लेते हैं तो उस सिचुएशन में मेरा केस ट्रांसफर मेरे पास का जो केस है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसी और मैजिस्ट्रेट के पास किसके डायरेक्शन के चलते चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट समझ रहे हो तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जिस मैजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर करेगा उस मैजिस्ट्रेट के पास केस ट्रांसफर हो जाएगा मैंने मेरे नॉलेज पे कॉग्निजेंस लिया अक्यूज ऑब्जेक्शन ले सकते हैं तो फर्दर प्रोसीडिंग के लिए मेरे पास का जो केस है वो कोई और मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर हो जाएगा दैट इज सेक्शन 191। नाउ सेक्शन 192। मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मजिस्ट्रेट। नी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में आफ्टर टेकिंगजेंस ऑफ एन ऑफेंस मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एनी कंप्यूटर मैजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू हिम तो जब कभी भी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोई केस का कॉग्निजेंस लेगा तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा कि कॉग्निजेंस लेने के बाद वो केस अपने जो सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट है उनको मेक ओवर करेगा उनको ट्रांसफर करेगा उनको वो केस देगा कई के लिए फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एन इंक्वायरी एंड ट्रायल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इफ आई टेकनीजेंस एनी ऑफिस आफ्टर टेकिंग्रेट हुई चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हूं मैंने कॉग्निजेंस लिया केस कागनीजेंस लेने के बाद मैं मेरे सबोर्डिनेट में फॉर एग्जाम्पल जे एम एफ सी है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उनको मैं वो केस मेक ओवर करूंगा उनको वो केस दूंगा इंक्वायरी के लिए या ट्रायल के लिए एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू सच अदर कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट एज द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई एंड देयर अपॉन सच मैजिस्ट्रेट में होल्ड द इंक्वायरी और ट्रायल अगर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किसी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जे एम एफ सी को अगर पावर देता है के कि फॉर एग्जांपल ये पावर देता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किसी जेएमएफसी को कि आप कॉग्निजेंस लो ऑफेंस का और कॉग्निजेंस लेने के बाद आपके सबोर्डिनेट जो मैजिस्ट्रेट है या दूसरे जो मैजिस्ट्रेट <coughs> उनको ये केस चलाने के लिए दी जाए तो उस सिचुएशन में वो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को भी पावर रहेंगे वो क्या कर सकता है क्योंकि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को पावर डेलीगेट किया और आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी क्या कर सकता है ऑफेंस का लेने के बाद अपने सबोर्डिनेट को मेक ओवर कर सकता है वो केस किस चीज के लिए फॉर होल्डिंग एन इंक्वायरी एंड ट्रायल नाउ सेक्शन 193 नाइनटी थ्री कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन अगर कोई लॉ में एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया हुआ है इस लॉ में या और कोई लॉ में एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया हुआ है तब चलेगा अदरवाइज क्या होगा नो कोर्ट ऑफ सेशन शाल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अनलेस द केस हैज बीन कमिटेड टू इट बाय अ मैजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड तो तो अगर कोई लॉ में स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया हुआ होगा कि कोई सेशन को डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकता है देन इट्स ओके स्पेशली अगर प्रोवाइड किया हुआ है तो सेशन को डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है और अगर स्पेशली प्रोवाइड नहीं किया हुआ है स्पेसिफिकली प्रोवाइड नहीं किया हुआ है तो कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन किसी ऑफेंस का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है कब तक नहीं ले सकता है अनलेस द केस हैज बीन कमिटेड टू द मैजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड जब तक वो केस कमिट नहीं होगी समझ रहे हो इन शॉर्ट मैं कहता हूं कि मर्डर का ऑफेंस है ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है सेशन कोर्ट ही चला सकता है मर्डर का ट्रायल लेकिन डायरेक्टली कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा कॉग्निजेंस कौन लेगा लोअर कोर्ट लेगा फॉर एग्जाम्पल जेएमएफसी कॉग्निजेंस लेगा और कॉग्निजेंस लेने के बाद सेक्शन टू जीरो नाइन ऑफ सीआरपीसी दो उन्नीस सीआरपीसी में क्या करेगा वो दो नौ सॉरी वो केस को कमिट करेगा ट्रांसफर करेगा वो बोलेगा कि जेएमएफसी को ये केस चलाने का पावर नहीं है और वो कॉल्ड कमिटल और वो कमिट करेगा सेशन कोर्ट को तो सेशन कोर्ट जब तक केस कमिट नहीं होगी तब तक कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है सेक्शन 193 कहता है अगर कोई लॉ में स्पेसिफिकली प्रोविजन है कि जहां पर सेशन कोर्ट को पावर दिए वाले है डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेने का तो ठीक अदरवाइज डायरेक्टली सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है जब तक कि लोअर कोर्ट उसको केस कमिट ना करे उत्तराखंड जुडिशल एग्जामिनेशन दो में पूछा गया क्वेश्चन है केस हैजिन कमिटेड टू इट बाई अजिस्ट्रेट वन नाइनटी थ्री नाइनटी फोर वन नाइन सिक्स सेक्शन वन नाइनटी थ्री इज अ करेक्ट आंसर सेक्शन वन

उस सेशन डिवीजन का जो सेशन जज होता है वो स्पेशल ऑर्डर से उनको मेक ओवर करेगा उनको केसेस देगा चलाने के लिए क्या होता है नॉर्मली सेशन जज के पास केसेस कमिट होकर आते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है असिस्टेंट और एडिशनल सेशन uh, जज में तो मेकओवर करता है वो केस जब तक केस मेकओवर नहीं की जाएगी एडिशनल सेशन जज को या असिस्टेंट सेशन जज को किसके जरिए सेशन जज के जरिए तब तक एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज कोई केस को चला नहीं सकता या तो हाई कोर्ट के स्पेशल ऑर्डर के जरिए अगर कोई केस मेकओवर की जाती है एडिशनल सेशन जज को या असिस्टेंट सेशन जज को तभी वो केस चला सकते हैं अदरवाइज नॉट दैट इज अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 नाउ सेक्शन 195

तो अगर सेक्शन 172 टू तो सेक्शन 188 का कोई ऑफेंस हुआ है इस सेक्शन में जो पनिशेबल ऑफेंस है इसका कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस को नहीं ले सकता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट है ये पब्लिक सर्वेंट ने अगर कोई सम्मन इशू किया उसकी उसको कंप्लीट नहीं करना

ऑफ एनी क्रिमिनल टू कमिट सच ऑफेंस सो ऐसे ऑफेंस जो एक से बहत्तर लेक से लेकर एक इंडियन पिनल कोड में पनिशेबल है उनका कमिट होना ऑफेंस करना या वो ऑफेंस का अबेटमेंट होना या ऑफेंस का अटेम्प्ट होना या वो ऑफेंस करने की क्रिमिनल कॉन्स्पेरिसी होना ये अगर ऑफेंस है ये सेक्शन में तो कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा कब तक नहीं एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेन इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न और ऑफ सम अदर पब्लिक सर्वेंट टू हूम ही एडमिनिस्ट्रेटिवली सबॉर्डिनेट समझ रहे हो कि कंटेंप्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट तो पब्लिक सर्वेंट की जो लॉफुल अथॉरिटी में इश्यू किए हुए ऑर्डर है उसको ना मानना निशेबल है एक से लेके एक में तो ऐसा ऑफेंस होता है तो कोर्ट कब तक कॉगनाइजेंस नहीं लेगा जब तक नहीं लेगा जब तक के जो पब्लिक सर्वेंट ने उसके अथॉरिटी में जो ऑर्डर दिया था और वो ऑर्डर को नहीं माना फॉर हाजिर नहीं रहता है तो करूं मैजिस्ट्रेट के पास तब तक वो मैजिस्ट्रेट कोग्निजेंस नहीं लेगा या तो मेरे ऊपर जो है मेरा सुपीरियर ऑफिसर है वो जब तक कंप्लेंट ना करे इन राइटिंग तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा ये ऑफेंसेस की समझ रहे हो that is the first one then sub clause b of any offence punishable under any then of any offence punishable under any of the following section of indian penal code 1860 namely section 193 to 196 199 200 205 to 211

ना या झूठी गवाही देता है इस सिचुएशन में क्या होगा कोर्ट कब कॉगनीजेंस लेगा या ऑफ एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट और द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सब क्लास वन और सब क्लास टू या यही जो ऊपर हमने डिस्कस किए फॉल्स एविडेंस का या झूठे डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने का अगर ये ऑफेंस कमिट होता भी है या इसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिर होती है या इनका अबेटमेंट होता है या इनका अटेम्प्ट होता है तो ये तीनों सिचुएशन में क्या होगा कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा कब तक नहीं लेगा एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेन इन राइटिंग ऑफ दैट कोर्ट और बाय सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज दैट कोर्ट में अथोराइज इन राइटिंग इन दिस बिहाफ और ऑफ सम अदर कोर्ट टू विच दैट कोर्ट

तो मैंने अगर उसको ऑथोराइज किया तो जब तक वो मेरे ऑफिसर ने कंप्लेंट नहीं करता राइटिंग में तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा या मैं एक मैजिस्ट्रेट हूं मैं जिसके सब हूं मेरा जो सुपीरियर मैजिस्ट्रेट है वो जब तक राइटिंग में कंप्लेंट नहीं करेगा तब तक वो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा समझ रहे हो देन नेक्स्ट वन इज सब सेक्शन सेक्शन ऑफ डील्स विद अ कंप्लेंट हैज सबसे कंप्लेट है पब्लिक सर्वेंट अंडर क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन वन

ऑर्डर अगर नहीं माने तो उसके कॉग्निजेंस कब लेगा कोर्ट जब तक वो पब्लिक सर्वेंट कंप्लेन ना करे और अगर पब्लिक सर्वेंट वो कंप्लेन करता है जिसके जरिए कोर्ट कोग्निजेंस लेता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा एनी अथॉरिटी मैं तो मैं था, मेरे को नहीं माना गया, मैंने किया, लेगा. लेकिन ये कहता है कि मेरा जो सुपीरियर ऑफिसर जिनके मैं सब हूं अगर वो रिटर्न में अगर करता है क्या के वो अगर उसके ऑर्डर के जरिए तो मे ऑर्डर द वि ऑफ द कंप्लेट एंड सेंड अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर टू द कोर्ट तो वो क्या कर सकता है विड्रॉल करने का ऑर्डर कर सकता है मेरा जो सुपीरियर है मैंने कंप्लेन किया मेरा सुपीरियर वो कंप्लेन को विड्रॉ करने का ऑर्डर कर सकता है और वो विड्रॉ करने के ऑर्डर की एक कॉपी कोर्ट को भेजी जाएगी एंड अपॉन इट बाय द कोर्ट नो फर्दर प्रोसीडिंग शेल बी टेकन ऑन द कंप्लेट समझ रहे हो मैंने कंप्लेन किया था मेरा जो सुपीरियर ऑफिसर है वो मुझे विड्रॉल करने के लिए कहेगा और उसकी एक कॉपी विड्रॉल ऑफ कंप्लेन की कॉपी कोर्ट में जाएगी और जब कोर्ट वो विड्रॉल ऑफ कंप्लेन की कॉपी रिसीव करेगा उसके बाद कोई कोर्ट आगे की प्रोसीडिंग नहीं करेगा प्रोवाइडेड नो सच विड्रॉल बी ऑर्डर इन कोर्ट ऑफ कंक्लूडेड फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे कंप्लेंट पे अगर कोर्ट में केस चली और को, कोर्ट का ट्रायल कंक्लूड हो गया अब उसके बाद कोई भी विड्रॉल पॉसिबल नहीं है भले ही मेरे सुपीरियर ऑफिसर विड्रॉ करने के लिए कहेगा लेकिन विड्रॉ पॉसिबल नहीं

For the purpose of clause B of subsection 1, a court shall be deemed to be subordinate to the court to which appeals ordinary lie from the appealable decrees or sentence of such a former. कोर्ट और इन द केस ऑफ सिविल कोर्ट फ्रॉम डिग्री नो अपीलरी लाइज टू द प्रिपल कोर्ट है यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब कभी भी जो कोर्ट के मतलब है कोर्ट शेल बी डीम्ड टू बी सबॉर्डिनेट तो मैं एक कोर्ट हूँ मैं किसके सबऑर्डिनेट हूं अगर ये डिसाइड करना है तो मेरे जजमेंट के बाद जिस कोर्ट में भी अपील होगी तो उस कोर्ट के मैं सबॉर्डिनेट हूं ऐसा ट्रीट होगा समझ रहे हो सिविल कोर्ट का भी वैसा ही मामला होगा प्रोवाइडेड दैट वेयर अपील लाइज टू मोर देन वन कोर्ट द अपलेट कोर्ट ऑफ इंफीरियर द कोर्ट टू विच सच कोर्ट शेल बी डीम टू बी सबॉर्डिनेट फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे जजमेंट की अपील दो कोर्ट में हो सकती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा किसके मैं सबॉर्डिनेट हूं ऐसा कोर्ट जिस जो इंफेरियर जुरिस्डिक्शन रखता है अपील में भी अपील भी है लेकिन इंफेरियर जुरिस्डिक्शन रखता है तो जो इंफेरियर जुरिस्टिक्शन रखेगा उसके सबॉर्डिनेट मैं हूं ऐसा ट्रीट होगा वेयर द अपील लाइज

इस पर अंडर सेक्शन सर्वेंट अ प्राइवेट इंडिविजुअल आइर ए और बी और सी तो अगर हम देखें तो नो कोर्ट शल टेक कॉग्निजेंस एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेन्ट इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट तो पब्लिक सर्वेंट के राइटिंग में ही कंप्लेन कोर्ट लेगा अदरवाइज नॉट उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है द टर्म कोर्ट अंडर सेक्शन 195 क्लास 3 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इंक्लूड्स ओनली सिविल कोर्ट ओनली क्रिमिनल कोर्ट ओनली रेवेन्यू कोर्ट ऑल सिविल क्रिमिनल एंड रेवेन्यू कोर्ट तो हम देखें कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पर सिविल क्रिमिनल रेवेन्यू कोर्ट तीनों आए गए तो ऑप्शन फोर्थ इज अ करेक्ट वन नाउ सेक्शन वन नाइनटी फाइव ए प्रोसीजर फॉर विटनेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग कोई धमकी देता है तो जो धमकी देने वाला पर्सन है उसको पनिशमेंट दिए हुए उससे रिलेटेड क्या होगा कौन, uh, कर सकता है धमकी दी गई है वो पर्सन कंप्लेन कर सकता है दैट पर्सन इज इंटाइटल टू मेक अ कंप्लेन दैट इज सेक्शन 195 नाइनटी ए सो दीज आर द फर्स्ट पार्ट विच वी हैव डिस्कस दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच वी हैव डिस्कस रिलेटिंग टू कॉगनीजेंस ऑफेंस कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल हिट द नोटिफिकेशन बटन हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू वेरी मच